अंबेडकर नगर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में किया नवनिर्मित अन्नपूर्णा भवन मॉडल उचित दर दुकान का वर्चुअल लोकार्पण। अंबेडकर नगर जिले में आज 14 मॉडल शॉप उचित दर दुकान अन्नपूर्णा भवन तथा ई वेइंग स्केल युक्त ई पॉस मशीन का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्य उत्तर प्रदेश के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। सबसे पहले तहसील टांडा के ग्राम पंचायत रामपुर कला विकास खंड टांडा में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष साधु वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि एमएलसी हरिओम पांडे द्वारा फीता काट कर किया गया। एमएलसी हरिओम पांडे ने कहा कि सरकार द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है वो सिर्फ गरीबों के लिए है, उनके कल्याण के लिए। इस योजना के माध्यम से बिचौलियों के द्वारा लूट घसोट अब नहीं हो पाएगी। अन्न का एक एक दाना गरीबों के काम आएगा। साथ ही अब महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राशन वितरण का कार्य होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सभी निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने लोगों से अपील की जो पात्र राशन कार्ड धारक हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला है। ऐसे लोग जो अपात्र हैं जिनकी आमदनी 2 लाख से ऊपर है उन लोगों को अपना राशन कार्ड जिला पूर्ति अधिकारी के हाथ समर्पण कर देना चाहिए जिससे तमाम पात्र गरीब असहाय और मजबूर लोगों को लाभ मिल सके। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एमएलसी हरिओम पांडे एवं ग्राम पंचायत रामपुर कला के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत के कार्ड धारकों को आमंत्रित किया गया। कि हमारा गांव का किसान, गांव का जवान और गांव के मजदूर ये सब समृद्ध होंगे तब मेरा देश महान होगा, मेरा प्रदेश महान होगा। इसी सोच के अंतर्गत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की यह सोच रही है कि उसी सोच के अंतर्गत जनपद के हर गांव में जो गांव में एक साबर ये शॉप जो खोली जा रही है मॉडर्न शॉप, ये निश्चित तौर पर इस तरीके की जहां अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा अनाज का वितरण होगा और वहां सारी सामग्री उपयोग की जो हमारे जनमानस के काम में आती है वहां मुहैया कराई जाएगी। इसी सोच के तहत कि जो अब तक लोगों ने लूटा मारा अब वह चीज़ें बंद हो जाएं, इस सोच के तहत ये कार्यक्रम स्थापित किया गया है और प्रथम मॉडल शॉप हमारे जनपद का कि 75 खुलने हैं जिनमें से 14 बन के तैयार हो चुके हैं जिसका आज शुभारंभ होने हो रहा है। निश्चित तौर पर ग्राम वासियों को समर्पित किया जा रहा है हमारे ग्राम प्रधान और इस शॉप के जो मालिक हैं इसके कोटेदार उनको और हमारे ग्राम के समस्त जन जितने भी जन के लोग हैं चाहे वह महिलाएं हैं बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनको यह मॉडल साफ समर्पित करके आज दी जा रही है और इसका कार्य जल्द से जल्द पूरा शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने इसका विरोध कितनी उपलब्धि मानते हैं अम्बेडकर नगर के? देखिए आज तक 75 बनना है जिसमें से कि 14 बन चुके हैं और 14 में पहला मॉडल साफ ये आज उद्घाटित हो रहा है। संचालन हो गया तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ फर्क पड़ने वाला? नहीं, हमको तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क पड़ा क्योंकि यहाँ पर दुकान भी हो गई और हम लोग को आने जाने में सब चीज अच्छा रहेगा, लेने देने में भी ठीक रहेगा और जब से हम लोग समूह में जुटे तब से हम लोग को बहुत अच्छा हुआ। तो समूह से जुड़ने से आपको क्या लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा? बहुत सुधार हुआ। पहले था हम कहीं नहीं जाते थे, किसी से बात नहीं करते थे, ना सिक्योरिटी ना बीओ किसी से हम जानते नहीं थे, खाली प्रधान को जानते थे, अब तो हम सबको जानते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी काफी कुछ बढ़ गया? बहुत बढ़ गया। क्या बच्चों के पढ़ाई लिखाई में जीवन स्तर में भी कुछ सुधार हो रहा है? बहुत हो गया, क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं रहते थे तो ढंग से पढ़ाई भी नहीं होती थी, फीस नहीं थी तो कहाँ से हमारी पढ़ाई होगी हमारे बच्चों की। आज हम पढ़ाई भी दे रहे हैं, अपने बच्चों को खर्चा भी चला रहे हैं समूह से। आपको क्या लगता है आपके जीवन स्तर में कितना सुधार लगभग हुआ? बहुत हुआ सुधार, बहुत सुधार, आमदनी बढ़ गई? बहुत आमदनी बढ़ी। क्या नाम है आपका? जी लालमणि मेरा नाम। स्वयं सहायता समूह से आप जुड़ी हुई? जी हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं और समूह सखी के पद पर काम करते हैं और समूह से हमारी स्थिति बहुत अच्छी हुई। पहले हम कुछ नहीं जानते थे ना कुछ करते थे, आज भी समूह में जुड़कर हमने अपना रोजगार किया और समूह से हमें और लाभ मिला और जानकारी मिली। अपने बच्चों की अच्छी ढंग से हम पढ़ाई कर रहे हैं, कपड़ा पहना रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, हमें बहुत लाभ हुआ। हमें जो प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्राप्त हुआ वो सब हमने उठाया, ऐसी ही महिलाओं को हमने और दीदियों को दिया
और हमारी दीदी ऐसी सक्षम हुई जो समूह से जुड़कर आगे हुई। क्या नाम है आपका? नीलम। तो रीना जी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? सर, हमें बहुत महसूस हो रहा है, बहुत अच्छी सीख मिल रही है, हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका भी मिला है कि हम सब स्वयं सहायता समूह से पैसा लेके बहुत काम आगे बढ़ा सकते हैं, अपना अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई। आमदनी पे भी क्या आपके कुछ असर पड़ा है? हाँ, बहुत असर पड़ा है, आमदनी आपकी बढ़ी है। हाँ। तो जिस तरीके से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खुली है, आप लोग आसानी से चला ले जाएंगे? हाँ, आसानी से चला ले। कोई शिकायत का मौका नहीं? नहीं, कोई शिकायत का मौका नहीं। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अम्बेडकर नगर जिले के तहसील टांडा ग्राम रामपुर कला में मैं हूँ और यहाँ पे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोली गई है। ये अपने आप में एक अनोखी पहल है। राज्य सरकार द्वारा इस तरीके की 75 सरकारी गल्ले की दुकान खोली गई है, जो अनोखा अपने आप में ही सोए से है। सरकारी गल्ले की दुकान तो अब पहले से थी, लेकिन इसमें जो व्यवस्था बनाई गई है इस बार, वो व्यवस्था ये बनाई गई है कि इसमें जो अंगूठे से अंगूठा का निशान लगता था, उस अंगूठे के निशान लगने के समय उसी समय राशन की तौल होगी। और अक्सर करके ये शिकायतें रहती थी उपभोक्ताओं की कि हमें अंगूठा तो लगा लिया जाता है लेकिन गल्ला कहीं ना कहीं एक दिन या दो दिन बाद मिलता था। लेकिन इस समय ये इस व्यवस्था के तहत जैसे ही आदमी अंगूठा लगाएगा, उपभोक्ता अंगूठा लगाएगा, उसी समय उसको गल्ला मिल जाएगा। और उसमें कहीं भी ये भी शिकायत प्राय आती रहती थी कि 1 किलो 2 किलो का राशन कट के मिलता है, वो राशन कटने की भी कोई संभावना इसमें नहीं रहेगी। और पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से इस तरीके से अभी अम्बेडकर नगर जिले में 14 केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें सबसे पहले रामपुर कला में इस तरीके के केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो आने वाले दिनों में और एक सबसे बड़ी व्यवस्था इस तरीके के सरकारी गल्ले की दुकान में ये बनाई गई है कि यहाँ 35 प्रकार के अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं भी इस सरकारी गल्ले की दुकान पे आम रेट पे, जो मार्केट में उपलब्ध रेट है उसी रेट पे लोगों को मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी पहल है और देखना होगा आगे आने वाले दिनों में इस पहल का लाभ उपभोक्ताओं को कितना अपनी ओर आकर्षित करता है। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षीय टंडन भानु प्रताप के साथ रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर।